हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, यूपीपीसीएस प्री का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। रिजल्ट जारी होने के बाद इसमें करीब 7,688 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। पदों के मुकाबले सिर्फ 11 गुना अभ्यर्थी पास किए गए हैं और इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो रिजल्ट जारी होने के बाद इसका कट ऑफ क्या रहेगा, सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकॉन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। यूपीपीसीएस प्री का रिजल्ट तो जारी कर दिया गया है। रिजल्ट जारी होने के बाद जानेंगे हम लोग पेपर का लेवल कैसा था, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, कितने बच्चों को मेंस परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले हम पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल काफ़ी हार्ड था, ये भी आपको पता होगा। कितने बच्चों ने परीक्षा दी थी, लगभग 46% बच्चों ने परीक्षा दी थी। और कितने बच्चों को मेंस परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा, तो 15 गुना अभ्यर्थियों को मेंस परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो इसमें टोटल वैकेंसी 600 कुछ वैकेंसीज में थी, 700 नहीं है, 600 प्लस कुछ वैकेंसीज में थी। सोगा जैसा कि आप देख सकते हैं, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में 7,688 अभ्यर्थी सफल। एसीएफ आरएफओ प्री का परिणाम भी जारी, पीसीएस के 678 और एसीएफ आरएफओ के 16 पदों पर होनी है भर्ती। प्रयागराज सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 में 7,688 अभ्यर्थियों और सहायक वन संरक्षक एसीएफ क्षेत्रीय वन अधिकारी आरएफओ प्रारंभिक परीक्षा 2021 में 296 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने बुधवार को दोनों प्रारंभिक परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए। आयोग के कैलेंडर में पीसीएस की मुख्य परीक्षा 28 जनवरी 2022 से और एसीएफ आरएफओ की मुख्य परीक्षा 7 मार्च 2022 से प्रस्तावित है। पीसीएस और एसीएफ आरएफओ के कुल 694 पदों पर भर्ती होनी है। दोनों प्रारंभिक परीक्षाएं एक साथ 24 अक्टूबर को प्रदेश की 31 जिलों में आयोजित की गई थी। पीसीएस के 678 पदों और एसीएफ आरएफओ के 16 पदों पर भर्ती के लिए कुल 691,173 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए, जो कि एक रिकॉर्ड है। पीसीएस के 678 पदों के मुकाबले 7,688 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के सफल घोषित किया गया है। वहीं एसीएफ आरएफओ के 16 पदों के सापेक्ष 296 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किए गए हैं। आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन परीक्षा शुल्क जमा करने की प्रक्रिया के बारे में अलग से विज्ञप्ति जारी की जाएगी। सोगा जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पदों के मुकाबले सिर्फ 11 गुना अभ्यर्थी पास उठे सवाल। यूपीएससी ने 15 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करने का लिया था निर्णय। और गाइस, आयोग दावा भी कर रहा है कि कई ग्रुपों में 15 गुना अभ्यर्थी पास हुए हैं। देख लेते हैं, पीसीएस 2021 का परिणाम दो मायनों में अप्रत्याशित रहा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने पहली बार इतने कम समय में परिणाम जारी किया। वहीं बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सामान्य अध्ययन का द्वितीय प्रश्न पत्र सीसेट क्वालिफाई नहीं कर सके। नतीजा की पदों की संख्या के मुकाबले महज 11 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किए गए, जबकि मानक 15 गुना का है। विशेषज्ञों ने पहले ही असंख्या जताई थी कि इस बार सीसेट का पेपर उलझाऊ था और ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए क्वालिफाई करना बड़ा चुनौती साबित होगा। अमर उजाला के 25 अक्टूबर के अंक में इस बारे में खबर प्रकाशित की गई थी। वहीं यूपीएससी ने हाल ही में निर्णय लिया है कि प्रारंभिक परीक्षा में पदों की संख्या के मुकाबले अब 15 गुना अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा में 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कराया जाएगा। इसमें प्रमुख 13 गुना एवं 2 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराया जा रहा है। बुधवार को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी हुआ तो अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा। 694 पदों के मुकाबले केवल 7,688 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किए गए, जो पदों की संख्या के मुकाबले 11.33 गुना है। वहीं एसीएफ आरएफओ 16 पदों के लिए 296 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कराया गया है, जो आयोग की ओर से निर्धारित मानक के अनुरूप है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे का आरोप है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट साफ संकेत दे रहा है कि आयोग अपने ही नियम को नहीं मानता है। प्रशांत ने रिजल्ट में संशोधन की मांग की है, अंतिम परिणाम के बाद जारी होंगे। अगर हम कटाफ की बात करें तो आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार प्राप्तांक कटाफ आदि की सूचना अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। तो अभी कटाफ तो जारी नहीं किया गया है, ऑफिशियल कटाव आपका जो है वो जल्दी जारी किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि अंतिम परिणाम के बाद जारी होंगे। आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार प्राप्तांक कटाव आदि की सूचना जो है अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी।
और आयोग दावा भी कर रहा है कि कई ग्रुपों में 15 गुना अभ्यर्थी पास किए गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, लोक सेवा आयोग का दावा है कि कई पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में कई ग्रुपों में पदों की संख्या के मुकाबले 15 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। आयोग के सचिव जगदीश के अनुसार क्वालिफिकेशन के आधार पर पीसीएस के पद 7 से 8 ग्रुपों में बटे होते हैं। सभी अभ्यर्थियों को द्वितीय प्रश्न पत्र सीसेट में न्यूनतम 33 फीसदी अंक लाना अनिवार्य है। न्यूनतम अंक पाने पर ही प्रथम प्रश्न पत्र की OMR जांची जाती है। परिणाम में सीसेट पेपर मिले अंक नहीं जोड़े जाते हैं। कई ग्रुपों में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सीसेट के पेपर में 33 फीसदी अंक प्राप्त नहीं कर सके। इसके अलावा प्रथम प्रश्न पत्र में भी समान अध्ययन OBC अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 फीसदी और SC ST वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 35 फीसदी अंक की अनिवार्यता है। यह वही न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त न कर पाने के कारण कुछ ग्रुपों में अभ्यर्थी छट गए। वहीं कई ग्रुपों में पदों की संख्या के मुकाबले 15 गुना या इसके अधिक अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं।